दिन कैसा जाएगा आपकी राशि के मुताबिक। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए कहा गया है, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अच्छा बीतेगा, भेंट और उपहार की प्राप्ति संभव है, व्यापार से लाभ होगा, घर बाहर सफलता प्राप्त होगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, काम में लगन तथा उत्साह बना रहेगा, मित्रों के साथ समय आपका अच्छा बीतेगा। और इनके साथ साथ अगर वृष राशि है तो पार्टी और पिकनिक का कार्यक्रम जो है ये भी बनेगा, स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलेगा। और बिजनेस है तो मनकोल रहेंगे, कार्य सफल भी रहेंगे, काम में मन आपका लगेगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, नौकरी में सुविधाएं बढ़ सकती हैं, व्यवस्था के चलते स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें और धन भी आपको मिलेगा। मिथुन राशि है तो दुखद सूचना मिल सकती है, धैर्य रखें, फालतू खर्च होगा, दुश्मनों से बचे, बेकार की बातों पर ध्यान ना दें, अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें, चिंता और तनाव बना रहेगा, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और बिजनेस आप लोगों का अच्छा चलेगा। साथ में कर्क राशि है तो भूले बिसरे साथी तथा कुछ मतलब नजदीकी लोगों से मुलाकात होगा और साथ में आत्मसम्मान आपका बना रहेगा, कोई उत्सव वर्धक सूचना आपको मिलेगी, बड़ा काम करने का मन आपका बनेगा, परिवार के सदस्यों की जो भी सदस्य हैं इनकी उन्नति के समाचार आपको मिलेंगे, प्रसन्नता भी रहेगी, पारिवारिक सहयोग आपको आपका बना रहेगा और किसी व्यक्ति की बातों में आप ना आए, लाभ आपको होगा। सिंह राशि, घर बाहर प्रसन्नता दायक वातावरण रहेगा, नौकरी में चैन महसूस करेंगे, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, संतान की चिंता रहेगी, शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं, मित्रों का सहयोग और दर्शन प्राप्त होगा, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, यात्रा की योजना बनेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। साथ में कन्या राशि है तो स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें, चोट व दुर्घटना से बचें और आय में कमी रह सकती है, घर बाहर असहयोग और अशांति का वातावरण रहेगा, अपनी बात लोगों को आप समझा नहीं पाएंगे, ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च होगा, जोखिम और जमानत के कार्य टालें और हदेशी सहयोग आपके करेंगे, धन भी आपको मिलेगा। तुला राशि है तो स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा, बनते कामों में विघ्न आएंगे, चिंता रहेगी, जीवन साथी से सामंजस्य बैठे, फालतू खर्च भी सामने आएंगे, दुश्मनों से दूर रहे, बेवजह लोगों से मनमुटाव हो सकता है, बेकार की बातों पर ध्यान ना दें, मित्रों का सहयोग मिलेगा, जल्दबाजी ना करें। साथ में वृश्चिक राशि है तो प्रेम प्रसंग में अनुकूलता भी रहेगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपको मतलब इनके सहयोग से कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी, परिवार के लोग अनुकूल व्यवहार करेंगे आपसे, व्यवसाय ठीक चलेगा, नए लोगों से संपर्क होगा और आय में वृद्धि तथा आरोग्य रहेगा, चिंता में कमी होगी, जल्दबाजी आप ना करें। धनु राशि है तो नई योजना लागू करने का श्रेष्ठ समय है, कार्य प्रणाली में सुधार, सामाजिक कार्य सफल रहेंगे, मान सम्मान मिलेगा, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, घर बाहर प्रसन्नता का माहौल रहेगा, पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा, बड़ा कार्य करने का मन बनेगा, सफलता के साधन जुटेंगे, जोखिम ना उठाएं। मकर राशि है तो किसी जानकार प्रबुद्ध व्यक्ति का जो सहयोग आपको मिलेगा और तंत्र मंत्र में रुचि भी आपकी रहेगी, किसी राजनीतिक का सहयोग आपको मिल सकता है, लाभ के दरवाजे भी खुलेंगे, चोट व दुर्घटना से बचें, व्यवस्था भी रहेगी, थकान और कमजोरी महसूस होगी, विवाद से बचें, धन प्राप्ति होगी और लेजीपन दूर कर दें। इसके साथ में कुंभ राशि स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ देंगे, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे, आय में वृद्धि तथा उन्नति अनुकूल रहेंगे, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, पार्टनर का सहयोग समय पर प्राप्त होगा, यात्रा आपकी अच्छी जाएगी, घर बाहर कुछ तनाव बना रहेगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अंतिम राशि है मीन राशि, आपका है तो बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे, यात्रा अच्छा रहेगा, लाभ के अवसर भी हाथ आएंगे, नौकरी में सुकून रहेगा, जल्दबाजी में कोई भी आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं और कानूनी अड़चन भी आ सकती है, विवाद ना करें, व्यवसाय ठीक चलेगा, घर बाहर प्रसन्नता जो है ये बनी रहेगी। तो ये था राशिफल, सुबह सुबह